गाइस, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन की। हम बात करने वाले हैं रिजिड पैकेजिंग, जैसे मोनो कार्टन होते हैं, कोरुगेटेड कार्टन्स होते हैं, टैग्स होते हैं, टैंगलर्स होते हैं। जब हम प्रिंट के लिए जाते हैं किसी एक प्रेस में तो हमें कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करके देता है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि वो कॉस्ट एक्चुअल में कैसे इवेलुएट की जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। जब भी हम कोई भी जॉब लेते हैं, मान लो हमने मोनो कार्टन लिया, तो बेसिकली वो 3 डायमेंशन होता है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो उसकी लेंथ और हाइट दोनों को कंबाइन करके लेंथ और विड्थ निकालते हैं, क्योंकि हमें शीट पे उस हिसाब से प्लानिंग करना होता है। बट आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल टैग का लिया है, जिसमें हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिया है। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। हमने जो जॉब वर्क का साइज लिया है वो 2.8 इंच इंटू 4 इंच का हमारा ये साइज है। कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेसिफिकेशन है, C1 एस्कॉर्टेड वन साइड बोर्ड है, GSM जिसका 280 है, क्वांटिटी हमारी 40,000 है। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो रही है जॉब पर, वो है 4 कलर प्रिंटिंग है, सरफेस फिनिशिंग में ग्लॉस लैमिनेशन हो रही है, फोइलिंग हो रही है, एम्बोसिंग हो रही है और डाई कटिंग हो रही है। अब इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब भी कॉस्ट इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, तो हमेशा दो बातें, दो फैक्टर हमेशा ध्यान रखते हैं। वो दो फैक्टर हैं कि मान लो आपको ना दो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखते होते हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फैक्टर बहुत अहम है। मान लो आपके पास एक मशीन है 14 इंच साइज की, जिसपे आप लार्ज साइज प्रिंट कर सकते हो, और एक मशीन है आप पे 23 इंच साइज की, जिसपे आप स्मॉल साइज प्रिंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हर एक जो बड़ी साइज पे छाप दो आपका जल्दी छप जाएगा, बट नहीं। जब भी कोई जॉब वर्क आता है तो उसको इस तरीके से प्लान करना होता है कि इकोनॉमिकल हो जाए। अब आप बड़ी मशीन पे जाओगे छोटी क्वांटिटी लेकर, तो हम मेक रेडी भर जाता है, मेक रेडी की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्री मेक रेडी भर जाता है, प्री मेक रेडी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम ऐसे प्लान करते हैं कि अगर क्वांटिटी हैवी है तो हम लॉन्ग रन पे बड़ी मशीन पे जाएंगे, वहाँ पे जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हैं उस जॉब को, और वो बियर भी कर लेगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। बट क्वांटिटी छोटी है तो छोटी मशीन पे जाते हैं वहाँ पे प्रिंटिंग के लिए। ये तो रही बात। अब हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी खासी है, हमारे पास 40,000 क्वांटिटी है। अब हम कैलकुलेट करना है, तो जब हमारा 40 इंच का साइज है तो इसमें मैक्सिमम शीट साइज जो आता है वो आता है 30-40 में 28-40 का प्रिंट एरिया हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जो हमें प्लानिंग करनी है वो 28-40 के लिए करनी है। अब 2.8 को 28 की साइड से निकाला मैंने, तो 10 बार निकला, उसका लेंथ 10 टाइम्स निकला, और 40 की साइड से 4 इंच को निकाला तो 10 टाइम्स ही निकला। तो मतलब टोटल जो इस शीट पे प्लानिंग बैठ रही है ना टैक्स की, वो 100 टैक्स बन रहे हैं। अब इन 100 टैक्स को हम अप्स बोलते हैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में। जब प्रिंट में कॉस्टिंग निकाल रहे होते हैं, शीट पर प्लान कर रहे होते हैं, तो जो नंबर ऑफ जॉब्स, टैक्स, जो भी आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उनको हम अप्स में बोलते हैं। यहाँ पे 100 अप्स निकल के आ रहे हैं। अब बात आती है, अगर 100 अप्स निकल रहे हैं एक शीट में, तो कितनी शीटें चाहिए हमें प्रिंट करने के लिए, कितनी शीटें चाहिए? उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। अगर हमें पता करना हो तो क्वांटिटी अपॉन में अप्स। क्वांटिटी दे रखे हैं 40,000 डिवाइड बाय अप्स, 100 कर देंगे तो 40,000 में से 100 चलेगा तो 40 नंबर ऑफ शीट, मतलब 400 नंबर ऑफ शीट्स हमें रिक्वायर्ड है, 400 शीट चाहिए हमें। अब वेट ऑफ पैकेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ पैकेट क्यों नेसेसरी है निकालना, ये भी मैं आपको बताता हूँ, पर पहले देख लेते हैं वेट ऑफ पैकेट निकालते कैसे हैं। ग्रामेज GSM इंटू शीट साइज अपॉन 31 इंटू 5, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास GSM दे रखा है 280, शीट साइज दे रखा है 30-40। निकालने के बाद एक पैकेट का वेट आया 21.67 kg हमारा एक पैकेट का वेट आया। अब हमने ये वेट क्यों निकाला? हमने ये वेट इसलिए निकाला कि जो टोटल नंबर ऑफ शीट है उससे हम ये पता कर लेंगे कि टोटल कितने पैकेट यूज हो रहे हैं। अब जो भी हमारे कॉस्ट निकालते हैं, हम सब्सिट्यूट कॉस्ट निकालते हैं, वो मार्केट से हमें प्राइस से मिलता है कि C1S का 72 रुपये पर केजी है, या 74 रुपये पर केजी है, या 68 रुपये पर केजी है। तो वो उसका जो प्राइस आता है वो केजी में आता है। तो हमें टोटल पैकेट्स का ना पर केजी का वेट चाहिए होता है, तो हमने एक पैकेट का निकाल लिया है। अब यहाँ हमारी 400 शीटें बननी थी, एक पैकेट में 100 शीटें होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं 400 शीट्स हो रही थी, अपॉन में 100 कर दिया तो 4 पैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये पता करने के लिए टोटल वेट कितना है, 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा सब्सट्रेट का, पैकेट का 280 ग्राम के सीवनेस बोर्ड का टोटल वेट आ जाएगा, जो कि बैठ रहा है 86.70 किलोग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना प्राइस बैठेगा इस बोर्ड का। C1S का हम एज्यूम कर लेते हैं 72 रुपये पर केजी प्राइस मार्केट का, तो कितने का बोर्ड पड़ा हमें? इस वेट को जब इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो बोर्ड का प्राइस आ गया 6,242 रुपये, हमारा कॉस्ट बैठेगा बोर्ड। अब प्रिंटिंग कॉस्ट बात करते हैं। मार्केट में अलग ही सिनेरियो है, मतलब मार्केट में बोलते हैं कि आप कोई भी शीट साइट पे जाओ, 1 रुपये से 3 रुपये लेकर, अगर क्वांटिटी अच्छा है तो आपको उस पे टैग कर देंगे। बट मेरा मानना यह है किसी भी चीज पे ब्लाइंडली ये कर लेना कि ऐसा ऐसा होता है, उसकी गहराई में जाओ कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रिंटिंग कॉस्ट एक्चुअल में निकालते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्लेट्स इनटू क्वांटिटी इनटू रनिंग रेट। प्रिंटिंग का रनिंग रेट क्या है? अब मार्केट में रनिंग रेट चल रहा है कोई 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच तक में ले लेता है। मार्केट में रनिंग रेट चल रहा है 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में ले लेता है। तो हम 70 एज्यूम कर रहे हैं जो कि मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस के बराबर है। पर थाउजेंड का रेट निकाल रहे हैं इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने इसे कैलकुलेट करा तो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट निकल के आई 11200। प्रिंटिंग कॉस्ट निकल के आई 11200 जो कि हमारी आ गई प्रिंटिंग कॉस्ट। अब बात करते हैं, हमने यहाँ बोर्ड प्राइस निकाल लिया, हमने लैमिनेशन कॉस्ट निकाल ली, अब हमने प्रिंटिंग कॉस्ट निकाल लिया। बात करते हैं लैमिनेशन कॉस्ट की। लैमिनेशन कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? लैमिनेशन कॉस्ट निकालने का तरीका है शीट साइज इंटू लैमिनेशन रेट। बेसिकली लैमिनेशन रेट होते हैं 2 रुपए/स्क्वायर इंच ग्लोस के लिए और 1 रुपये 75 पैसे मैट के लिए। ये होता है हमारा लैमिनेशन रेट जो होते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं यूवी वगैरह सॉलिड यूवी वगैरह होती है या स्पॉट यूवी होती है, थोड़ी सी कॉस्टलियर होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैमिनेशन का। तो हम यहाँ पे ग्लॉस लैमिनेशन लेके चल रहे हैं तो शीट साइज अपॉन में 200 रुपए ले लिया हमने। 200 रुपए/स्क्वायर इंच का रेट है नहीं, 2 रुपए/स्क्वायर इंच का रेट है। तो हमने यहाँ पे 200 रुपए लेके चले। एक शीट का हमारा कॉस्ट आया लैमिनेशन का ग्लॉस का 6 रुपए। तो टोटल लैमिनेशन कॉस्ट कितनी है? 400 शीटें 6 × 400 = 2400। 2400 रुपए लगे लैमिनेशन के लिए हमारे। अब फॉइलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। अब फॉइलिंग डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्लॉक बन रहा है, उसके हिसाब से फॉइलिंग के ब्लॉक का प्राइस देते हैं। फिर उसके हिसाब से हम प्राइस देते हैं उसके इंप्रेशन का, कितने इंप्रेशन का। लेबर कॉस्ट भी तो लेते हैं ना। तो 1000 इंप्रेशन के लिए 300 रुपए लेते हैं। 1000 इंप्रेशन के लिए 300 रुपए लेके चलते हैं। तो ब्लॉक ले लिया 3500 का, 300 का हमने इंप्रेशन कॉस्ट ले लिया। सेम एम्बोसिंग में, एम्बोसिंग में ब्लॉक हमने 4500 का ले लिया। एम्बोसिंग में हमारे ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, एक तो जिंक ब्लॉक और एक पॉलीमर ब्लॉक। जिंक ब्लॉक और पॉलीमर ब्लॉक दो तरीके के ब्लॉक बनते हैं। जिंक ब्लॉक जो होता है वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। पॉलीमर ब्लॉक बनता है हमारा 6 रुपए/स्क्वायर इंच के हिसाब से, तो वो बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। हालांकि मार्केट में हर कोई इसे अडोप्ट नहीं कर रहा क्योंकि लोग डरते हैं कि इससे प्रॉपर एम्बोसिंग होगी नहीं होगी। बट मैं आपको पर्सनल, क्योंकि मैंने जहां जहां काम करा है वहां इस चीज का मैंने रिकमेंड करा है कि पॉलीमर ब्लॉक 0.0 एक्यूरेसी देते हैं और इजी टू यूज होते हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं। कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है इससे। तो मैं यहाँ जिंक ब्लॉक की लेके चला हूँ कॉस्टिंग। पॉलीमर ब्लॉक बहुत इफेक्टिव होते हैं। पॉलीमर ब्लॉक की भी आप ले सकते हो, 6 रुपए/स्क्वायर इंच का हिसाब होता है कि आप नापो कि आपको कितना एरिया एम्बॉस करना है, उसका एरिया निकाल लिया, एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो कि 10 स्क्वायर इंच आ रहा है तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो है 60 रुपए में आपका पॉलीमर ब्लॉक तैयार हो जाएगा। यहाँ 4500 रुपए में हो रहा था, ठीक है। तो इंप्रेशन कॉस्ट 300 हो गई एम्बोसिंग की, ब्लॉक कॉस्ट 4500 ले ली और 300 रुपए। इन सबका टोटल करने के बाद में 33242 बैठता है। अगर आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालें जो कि बैठती है 0.83। इस तरीके से हम निकालते हैं हम अपनी पैकेजिंग में कॉस्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं, प्लानिंग करते हैं बोर्ड पर। बोर्ड पर प्लानिंग करके अप्स निकालते हैं। उन अप से देखते हैं कितनी शीट्स रिक्वायर हैं। उन शीट रिक्वायरमेंट के बाद में हम नंबर ऑफ वेट ऑफ पैकेट निकालते हैं। वेट ऑफ पैकेट से नंबर ऑफ पैकेट निकालते हैं। नंबर ऑफ पैकेट निकलने के बाद में वेट को और नंबर ऑफ पैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं। जो टोटल वेट आता है उससे बोर्ड का प्राइस निकालते हैं। बोर्ड के प्राइस के बाद में जो जो अलग अलग एप्लीकेशन हो रही है उन सब की कॉस्ट निकालने के बाद में टोटल आई हुई कॉस्ट का, टोटल आई हुई अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। आपका पर यूनिट कॉस्ट आता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना।